टुडे वी डिस्कस स्टीरियो आइसोमेरिज्म। टुडे वी डिस्कस स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को बेटा अपन टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हिंदी में बोलते हैं त्रिविम समावयता। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बेटा, ज्योमेट्रिकल और दूसरा है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट। ज्योमेट्रिकल को हिंदी में ज्यामिति, ऑप्टिकल को हिंदी में प्रकाशिकी। तो दो प्रकार की समावयता हमारे पास है स्टीरियो के अंदर, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले हम कुछ सिंबल्स यूज में लेंगे, उनके बारे में मैं आपसे बातचीत कर लेता हूं। सिंबल स्मॉल ए बी सी डी, इनमें से कुछ भी लिखा जाए, स्मॉल ए बी सी डी लिखा जाता है तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे यहां पे मोनोडेंटेट लिगेंड को प्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोनोडेंटेट लिगेंड को रिप्रेजेंट करेगा। स्मॉल एबीसीडी मैं यूज में लूंगा किसके लिए बेटा? मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए, राइट। दूसरा मेरे पास दिया हुआ हूं डबल ए यूज में लू, कैपिटल ए और कैपिटल ए। अगर डबल ए यूज में लेता हूं तो ये रिप्रेजेंट करेगा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड को, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड को रिप्रेजेंट करेगा। ए बी लेता हूं तो बेटा ये रिप्रेजेंट करेगा अपने यहां एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। स्मॉल एबीसीडी मोनोडेंटेट लिगेंड को है, कैपिटल ए टू टाइम्स आ रहा है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, कैपिटल ए और कैपिटल बी जो आ रहा है एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड को रिप्रेजेंट करेगा। इनके एग्जांपल लिख देता हूं, मोनोडेंटेट लिगेंड जैसे पायरिडीन, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, आई नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव, एस टू ओ, एन एस थ्री, ये सब क्या है बेटा? मोनोडेंटेट लिगेंड है। इनको स्मॉल ए बी सी डी के से रिप्रेजेंट करेंगे अपन, राइट। एक ले लेता हूं मैं एग्जांपल सिमेट्रिकल बाइडेंटेट का। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट जैसे इथाइलिन डाइएमीन, सी एस टू एन एस टू, सी एच टू एन एस टू, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। इसमें दो डोनर साइट है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, बायोडेंटेट लिगेंड है, राइट। तो बायोडेंटेट लिगेंड है, दो डोनर साइट है, इधर से चलेंगे एनएस टू उसके बाद सी एस टू, एन एस टू उसके बाद सी एस टू, तो दोनों चीजें सेम है, दोनों साइड से सेम आ रहा है, तो आप इसे को क्या बोलोगे? सिमेट्रिकल, और दो डोनर है इसलिए क्या बोल देंगे? बायोडेंटेट, सिमेट्रिकल बायोडेंटेट लिगेंड है। ऐसे ही ऑक्सलेट, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, इसमें भी दो डोनर साइट है, ओ नेगेटिव, बाइडेंटेट लिगेंड है, दो डोनर साइट है, बाइडेंटेट लिगेंड। और बेटा सिमेट्रिकल है, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, राइट। तो इधर से और इधर का दोनों पोर्शन सेम है, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, इसको डबल ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ए बी किसको लिखेंगे? एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, जैसे अपन बात करें ग्लाइसिन है ना, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेट, और जब वो लिगेंड होगा तो जब एज ए लिगेंड यूज में ले रखा होगा तो ग्लाइसिनेटो, तो इसका क्या होता है बेटा सिंबल? एन एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव। तो एक कॉर्नर पे तो एन एच टू है और एक कॉर्नर पे ओ नेगेटिव, ये भी बायोडेंटेट लिगेंड है, ये भी डोनर, इसमें एक डोनर तो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, दूसरा ओ नेगेटिव, ग्लाइसिनेट बायोडेंटेट लिगेंड है, एक नाइट्रोजन डोनर है, एक ओ नेगेटिव डोनर है, लेकिन ये एक एसिमेट्रिकल लिगेंड है क्योंकि इनके दोनों के कॉर्नर ही डिफरेंट, इधर एन एस टू इधर ओ नेगेटिव, डिफरेंट है ये, तो बेटा इससे अपन क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल बायोडेंटेट लिगेंड। ये सब कुछ सेम है तो आप उसे क्या बोलोगे? सिमेट्रिकल बायोडेंटेट लिगेंड। इसको क्या बोलोगे? एसिमेट्रिकल बायोडेंटेट लिगेंड, भाई डिफरेंट कॉर्नर आ रहा है, एसिमेट्रिकल बायोडेंटेट लिगेंड, राइट। तो इन सिंबल को हम यूज में लेंगे, ध्यान रहे। स्मॉल एबीसीडी किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोनोडेंटेट लिगेंड। कैपिटल ए टू टाइम्स आएगा बायोडेंटेट लिगेंड, कैपिटल ए और कैपिटल बी, कैपिटल ए टू टाइम्स सिमेट्रिकल बायोडेंटेट लिगेंड, कैपिटल ए और कैपिटल बी एक साथ आएगा एसिमेट्रिकल बायोडेंटेट लिगेंड। तो बेटा स्टीरियो में अपने को ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों डिस्कस करना है, राइट।
अब देखिए बेटा कंडीशनल, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्या है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो है बेटा आपके पास sp3 हो सकता है और dsp2 हो सकता है, राइट भाई। सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो उसका जब हाइब्रिडाइजेशन अपन फाइंड आउट करेंगे आगे चल के, तो sp3 आ सकता है, dsp2 आ सकता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो ये रिप्रेजेंट करता है बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को, कौन सी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और ये बताता है बेटा स्क्वायर प्लेनर, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा और ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया बेटा 4 आया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है, dsp2 हो सकता है, sp3 हुआ तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे और dsp2 हुआ तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हमें डिस्कस करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी तक मैंने आपको केवल सिंबल बताया, स्मॉल एबीसीडी लिखा मिला तो मोनोडेंटेड लिगेंड, 2 टाइम्स कैपिटल ए लिखा मिला सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, 1 कैपिटल ए 1 कैपिटल बी एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, राइट। और हमने बताया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 अदरवाइज dsp2 होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्लियर। अब हम मैटर पे आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगी, केस फर्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, वहां पे भी आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी चेक करना पड़ेगा और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में भी। फिलहाल मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बात कर रहा हूं, केस फर्स्ट। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करनी है, ठीक है। तो जरा देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम बना लेते हैं, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बना देता हूं, ठीक है। ए बी सी डी ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक लिगेंड या एक ग्रुप जो है वो प्लेन के अंदर मिलेगा, बिलो दी प्लेन होगा, ये पिक्चर जो है एक बिलो दी प्लेन होगा, ये वाला बॉन्ड बिलो दी प्लेन होगा, आप इसको सी मान लीजिए डी मान लीजिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये बिलो दी प्लेन होगा, राइट भाई। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर 2 बॉन्ड प्लेन में होते हैं, एक प्लेन से बाहर होता है और एक प्लेन के अंदर होता है। प्लेन से बाहर है उसको तो वैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेन के अंदर होता है उसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं केवल अभी प्लेन से अंदर वाले को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, राइट। आप इस बात से एग्री हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 2 बॉन्ड प्लेन में होते हैं, ये 2 प्लेन में है, एक प्लेन के बाहर है एक प्लेन के अंदर है, आप इसको वेस्ट पे मान लीजिए अब चाहो तो, बाकी मुझे जरूरत नहीं है अभी, क्लियर। यह बॉन्ड एंगल कितना है बेटा, sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, उस टाइम बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। अब आप कोई सा भी एंगल देख लो, ये वाला भी 109 डिग्री 28 मिनट्स है, ये वाला एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट्स है, ये वाला एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट्स है, राइट। सारे बॉन्ड एंगल एक जैसे हैं। अब देखना, अब मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा, अगर मैं ए को यहां लगा दूं, ए को यहां लगा दूं और डी को यहां लगा दूं, ग्रुप्स को इंटरचेंज करने पे, ग्रुप्स का मतलब लिगेंड से है, ग्रुप या लिगेंड को इंटरचेंज करने पे डिफरेंट स्ट्रक्चर अगर आ जाती है तो उस केस में आप बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, राइट। इफ डिफरेंट स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन बाय द इंटरचेंज ऑफ ग्रुप, राइट। तो ग्रुप के इंटरचेंज करने से, डी को ए की पोजिशन दे दूं, ए को डी की पोजिशन दे दूं, उससे अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर एक्वायर हो जाती है, अचीव हो जाती है हमारे पास, तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, राइट। चेक करके देखते हैं, बी सी डी यहां जाएगा, ए यहां जाएगा, लेकिन पोजीशन मैंने चेंज कर दी, इंटरचेंज कर लिया, मैंने इंटरचेंज कराया है, ए को डी की जगह भेजा है, तो इंटरचेंज कराने के बाद भी बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स, राइट। इस ए और डी के बीच में पहले भी बॉन्ड एंगल कितना होता था, 109 डिग्री 28 मिनट्स, और अभी भी बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट्स, तो क्या फर्क पड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अपन रीजन देंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बिकॉज ऑल फोर पोजिशन आर सेम, चारों पोजिशन सेम हैं, आप कहीं से कुछ भी इंटरचेंज कर लो उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहिए एक जैसे लगा दो, चारों लिगेंड एक जैसे लगा दो, चार डिफरेंट लगा दो, कुछ भी लगा दो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है उस टाइम उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, उसका रीजन देंगे, ऑल फोर पोजिशन आर सेम आइडेंटिकल ड्यू टू सेम बॉन्ड एंगल, राइट। तो बहुत अच्छी बात है, हमारा काम तो कम हो गया, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर ग्रुप्स को इंटरचेंज करने से कोई बेनिफिट नहीं होता, डिफरेंट स्ट्रक्चर एक्वायर नहीं हो पाती, इसलिए हम ये बोलेंगे कि भैया यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, क्लियर। तो किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और वहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, और उसके अंदर हमको कहे किसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे तो हम आंसर देंगे 0, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया, हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आया, उसके इसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा और वहां पर gi होती है, ध्यान रहे इस केस में नो जी आई, इसमें कोई जी, इसमें लिखेंगे gi में भी पॉसिबल, इसमें हो सकती है, गारंटी नहीं, किसी केस में हो सकते किसी में जीआई में भी पॉसिबल, लेकिन इसमें कोई सा भी केस आ जाए, सारे लिगेंड डिफरेंट आ जाएं, चारों लिगेंड डिफरेंट आ जाएं या सेम आ जाएं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोजीशन फिर भी सेम रहेंगी, इसलिए हम क्या आंसर देंगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ग्रुप्स को लिगेंड को इंटरचेंज करने के बाद भी उनकी पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं आता, पहले भी AOD में 109 डिग्री 28 मिनट्स था, अभी भी उतना ही रहेगा, आइडेंटिकल पोजीशंस रहती हैं चेंज करने के बाद भी, इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती, क्लियर। बोलो केस सेकंड आते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, अब आते हैं इन केस सेकंड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख रहे हैं हम लोग, टेट्राहेड्रल में तो होती नहीं है, चलो स्क्वायर प्लेनर में चेक करते हैं, स्क्वायर प्लेनर के लिए हमने लिखा है मे बी पॉसिबल इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अच्छा कुछ बच्चे तो दिमाग लगा रहे होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चले गए होंगे, सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखना होता है, हिंडर्ड रोटेशन, प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए, ऑर्गेनिक में तो बताया था, ऐसा जीआई के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं लगते हैं, वो रूल नहीं लगाना, ऑर्गेनिक वाला रूल नहीं लगाना, जीआई के लिए क्या करेंगे हम, ग्रुप को इंटरचेंज कराएंगे, ग्रुप को इंटरचेंज कराने पर डिफरेंट पिक्चर आ जाती है तो हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, अदरवाइज हम डिनाई कर देंगे, क्लियर। और हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 हो उस टाइम हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 हुआ तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें कोई जीआई नहीं होगी, हाइब्रिडाइजेशन अगर dsp2 आया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हुआ उस टाइम जीआई में भी पॉसिबल। अपन अब इसी केस की स्टडी करने जा रहे हैं, dsp2 वाले केस की स्टडी करने जा रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है अपने पास, राइट। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है भाई। अब अपने पास फर्स्ट है बेटा Ma4, M हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, M क्या है बेटा सेंट्रल मेटल एटम है, A क्या है स्मॉल A मोनोडेंटेड लिगेंड है, A4 लिखा है, 4 मोनोडेंटेड लिगेंड लगे हुए हैं और एक जैसे लगे हुए हैं, राइट। तो बेटा आप एक स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे, 4 मोनोडेंटेड लिगेंड A A A A, अब मैं यहां पर किस किस का पेयर बना हुआ, ए और ए का पेयर बना हुआ है और इस ए और ए के बीच में पेयर है, ऐसे देखना होता है पेयर हमेशा डायगोनल में, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, अगर मैं इन दोनों ग्रुप्स को इंटरचेंज भी करा दूं, क्या करा दूं बेटा, इंटरचेंज करा देता हूं, इन दोनों को इंटरचेंज करा देता हूं ए ए, तो ये ए यहां चला जाएगा, ये यहां आ जाएगा, इंटरचेंज करने के बाद कोई बेनिफिट हुआ क्या, आप देखो जरा ए ए का पेयर है
और यहां भी ए का पेयर है, तो इंटरचेंज कराने के बाद पेयर सेम ही आ रहा है, तो अपन आंसर देंगे कि नो जीआई, इसमें कोई जीआई नहीं होगी। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तो है एम ए फोर, लेकिन इसमें जीआई पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने मे बी लगा रखा है। यहां तक ये बात क्लियर होगी क्या सबको? तो ग्रुप को इंटरचेंज करने के बाद भी एम ए फोर के केस में कोई जीआई नहीं होगी। क्लियर बेटा? दूसरा केस देखो, स्क्वायर प्लेनर चल रहा है एम ए थ्री बी, ये M कहां है सर? M सेंट्रल एटम है, यहां पे होगा, M सेंटर में होगा, इसका M यहां है, इसका M यहां है, ठीक है, M को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, A A A और एक B है आपके पास, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है आपके पास, इंटरचेंज कराओ, ठीक है। तो इंटरचेंज कराने पे क्या होगा? A की जगह कौन चला जाएगा? B, B की जगह कौन आ जाएगा? A, ए ए एज इट इज रहेगा, ए यहां चला गया, बी यहां आ गया, तो बेटा डायगोनल रिलेशनशिप किस किस में है? ए ए ए ए और ए बी, ये पेयर बना हुआ है, ए ए का पेयर है और ए बी का पेयर है, यहां पे भी बेटा ए ए का पेयर है और एक ए बी का पेयर है, तो एक पेयर ए का है, एक पेयर ए का रहा, एक ए बी का पेयर है तो एक ए बी का पेयर है, ए ए बी, ए ए बी, तो पेयर अभी भी क्या आ रहा है बेटा? सेम आ रहा है। तो हम अपन क्या बोलेंगे कि एम ए थ्री बी अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हुआ तो भी उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो पाएगी। ग्रुप्स को इंटरचेंज कराने के बाद पेयर सेम आ रहा है तो आंसर देंगे नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर बेटा? अरे बोलो, टेट्राहेड्रल में तो जीआई होती ही नहीं है, स्क्वायर प्लेनर में भी दो केस हम देख चुके हैं, एम ए फोर वाला केस इसमें नहीं हुई, एम ए थ्री बी वाले में भी इंटरचेंज करने के बाद जीआई नहीं हुई। अगला केस देखते हैं, नेक्स्ट केस अपने पास है बेटा एम ए टू बी टू, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है एम ए टू बी टू, अच्छा A2 B2 के अंदर क्या 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 इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है? देखो दोनों A हो सकते हैं और दोनों B आपस में डायगोनल पे हो सकते हैं, दोनों A डायगोनल पे हो सकते हैं और दोनों B, या फिर एक का A और एक का B, A B इसका A और इसका B डायगोनल पे हो सकता है, फिर एक A और बच गया, इसका B बच गया, A भी डायगोनल पे हो सकता है, राइट? ये दो ही तो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके अंदर। अरे बोलो यार, हो सकता है दोनों ए और ए डायगोनल पे चले जाएं, जैसे ये हो सकता है कि दोनों ए और ए डायगोनल पे चले जाएं और दोनों बी डायगोनल पे चले जाएं, ए ए डायगोनल पे हो सकता है, बी बी डायगोनल, ऐसे सीन भी बन सकता है इनके अंदर कि एक ए बी डायगोनल पे चला जाए और दूसरा ए बी, एक ए और बच गया, एक बी बचा हुआ है, वो भी डायगोनल पे चला जाए, ए बी ए बी ए बी ए बी, ऐसा पॉसिबल? क्यों भाई? तो इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं बन सकता। तो जरा देखो, तो आपके पास दो डिफरेंट सेट आ गए, एक सेट ये बना, आपके पास दो डिफरेंट सेट बन के आ रहे हैं, दो पेयर बन के आ रहे हैं, तो आप लिखेंगे कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो होंगे, ऐसे तीन सेट बन जाते तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तीन लिख देते। अरे बिल्कुल प्योर मैथ है, जिसको जिसकी मैथ अच्छी है वो आराम से कर सकता है, बायो वालों को थोड़ा समय लगेगा। अब इनको इंटरचेंज करा के देख लो, इंटरचेंज करा, ए बी, ए ऊपर चला जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, तो इंटरचेंज कराने के बाद क्या हुआ? ये बना आपके पास ए ए, ये आपके पास है बी बी, डायगोनल में ए ए बी बी का पेयर है, इसके डायगोनल में बेटा ए बी और ए बी का पेयर है, हम भी तो यही कह रहे थे ए ए बी बी का पेयर बनेगा और एक ए बी का पेयर बनेगा, दो पेयर हैं आपके पास, तो इस केस में जीआई हो सकती है क्या? ये पेयर अलग है, ये पेयर अलग है,
भाई ये तो ए बी बी का पेयर है, ये ए बी ए बी का पेयर है, तो ये पेयर और ये पेयर ग्रुप को इंटरचेंज करने पर ए बी बी मेरे पास था, ए बी बी मेरे पास था, लेकिन ग्रुप को इंटरचेंज करने पर डिफरेंट पेयर बना, तो आप लिखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो रही है। और कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। क्या होगा? एक सिस और दूसरा ट्रांस। तो सिस ट्रांस आइडेंटिफाई कर लोगे। तो देखो जरा, सिस किसको बोलोगे? सेम ग्रुप, सेम ग्रुप, सेम साइड एट 90 डिग्री एंगल, तो आप सिस बोलोगे। सेम ग्रुप, सेम साइड एट 90 डिग्री एंगल, देन वी कॉल्ड सिस, राइट? सेम ग्रुप, सेम साइड 90 डिग्री के एंगल पे। ट्रांस किसको बोलोगे? सेम ग्रुप अपोजिट साइड 180 का एंगल, सेम ग्रुप अपोजिट साइड और 180 का एंगल। जरा देखो, सेम ग्रुप बी और बी 180 के एंगल पे, ए और ए 180 के एंगल पे, सेम ग्रुप अपोजिट साइड 180 का एंगल, सेम ग्रुप अपोजिट साइड 180 का एंगल, तो क्या बन गया बेटा ये ट्रांस। सेम ग्रुप अपोजिट साइड 180 के एंगल पे है, ट्रांस लिखा जाएगा। सेम ग्रुप सेम साइड 90 डिग्री का एंगल, तो क्या लिखा जाएगा बेटा? सिस लिखा जाएगा। सेम ग्रुप सेम साइड 90 डिग्री के एंगल पे, ये स्क्वायर प्लेनर है, ये क्या है? स्क्वायर प्लेनर। या 90 के एंगल है, 90 90 90, सारे एंगल 90 है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। समझ में आती है क्या बात? सेम ग्रुप सेम साइड 90 डिग्री के एंगल पे तो सिस लिखोगे, सेम ग्रुप अपोजिट साइड 180 के एंगल पे है तो ट्रांस लिखोगे। तो MA2B2 में M का हाइब्रिडाइजेशन DSP2 हुआ, M जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन DSP2 हुआ, दो दो मोनोडेंटेड लिगेंड लगे हुए हुए अलग अलग, तो उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी स्क्वायर प्लेनर के अंदर। क्लियर है भाई? अगला केस देखो, MA2B2 के बाद देखो बेटा, MABCD फोर्थ केस हमारे पास है। MABCD तो इसमें क्या क्या पेयर बन सकते हैं? एक AB और एक CD का पेयर बन सकता है। अरे बोलो, AB और CD का पेयर एक बार AB डायगोनल में हो सकते हैं और एक में CD डायगोनल हो सकता है। एक ऐसा हो सकता है A और C, कौन बच गया? B और D। एक ऐसा हो सकता है A और D, क्या बच जाएगा? B और C। AB और CD का पेयर, AOC का पेयर AC, बच गया BD। AOD का पेयर, बच गया BC। तो ये तीन ही पॉसिबल पेयर बनेंगे क्या यहां पे? अरे बोलो, कितने पॉसिबल पेयर बनेंगे? तीन। तो तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे। तो इसके ज्योमेट्रिक, अब ये पेयर अलग है, ये पेयर और ये पेयर अलग है, तो हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे? तीन। तो जितने डिफरेंट पेयर बन के आ जाएंगे उतने ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। आप इसकी पिक्चर भी बना सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ए और बी डायगोनल में, ए और बी डायगोनल में, सी और डी डायगोनल में, सी और डी डायगोनल में, ए और सी डायगोनल में AC, बी और डी डायगोनल में BD, AD डायगोनल में ए और डी डायगोनल में, BC डायगोनल में BC डायगोनल में। कोई दिक्कत किसी को? कर पाएंगे आप? तो जितने डिफरेंट पेयर बनेंगे उतने ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। अगर डिफरेंट पेयर नहीं बन पा रहे हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होंगे, GI नहीं हो। ये कॉम्बिनेशन आपको खुद को बना के देखना पड़ेगा। कर पाएंगे बेटा? अच्छा, इसके बाद देखो, अभी तक हमने बात की कि स्क्वायर प्लेनर के अंदर अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और वहां मोनोडेंटेड लिगेंड MA4 का केस है तो GI नहीं हुई, MA3B का केस है GI नहीं हुई, MA2B2 के केस में GI हुई, MABCD के केस में भी GI हुई, राइट? अब ऐसा भी तो हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 रहे, हाइब्रिडाइजेशन DSP2 रहे, लेकिन मोनोडेंटेड लिगेंड की जगह क्या लगा दे? वो बाइडेंटेड लिगेंड लगा दे। हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही रहे,
हाइब्रिडाइजेशन डीएसपी टू रहे, लेकिन मोनोडेंटेट की जगह क्या लगा दे, वो बायोडेंटेट लिगेंड लगा दे, राइट। इन केस ऑफ बायोडेंटेट लिगेंड, हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, ध्यान रहे ये बात, इन केस ऑफ बायोडेंटेट लिगेंड, राइट। तो बायोडेंटेड लिगेंड का अगर हमारे पास केस आएगा, तो बायोडेंटेड लिगेंड टू टाइप के हो सकते हैं बेटा, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। क्यों? सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल जैसे इथाइलिन डाइएमीन ऑक्सलेट, एसिमेट्रिकल में ग्लाइसिनेट, इथाइलिन डाइएमीन और ऑक्सलेट तो सिमेट्रिकल लिगेंड होता है, ग्लाइसिनेट एसिमेट्रिकल लिगेंड होता है, और सिमेट्रिकल में एसी एसी भी लिख सकते हो, ये भी सिमेट्रिकल होता है। एसिटाइल एसिटोनेट, एसी एसी का पूरा नाम क्या है, एसिटाइल एसिटोनेट, ये भी सिमेट्रिकल लिगेंड में ही आता है, ठीक है बेटा। अब ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऐसा केस बन गया, एम ए ए ओल ट्वाइस, एम सेंट्रल एटम है जिसका हाइब्रिडाइजेशन हमने डीएसपी टू मान रखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होना चाहिए, फोर ही है, ए ए बायोडेंटेट लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दो बायोडेंटेट लिगेंड है, तो टोटल फोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, इसलिए अपन कहेंगे यहां कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बेटा, फोर, एक बायोडेंटेट है, दो सेट है, तो दो बायोडेंटेट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर फोर हो जाएगा, और हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या कंसीडर कर रखा है, डीएसपी टू, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमको यह देखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं, क्लियर है क्या बेटा, देखो जरा ये स्क्वायर प्लेनर बना लेंगे ऐसे, ए ए बायोडेंटेड लिगेंड है, ये पहला बायोडेंटेड लिगेंड, और आपको पता है कि बायोडेंटेड लिगेंड, जैसे मैं इथाइलिन डाइएमीन की बात करूं, CH2 CH2 NH2 NH2, सिमेट्रिकल बायोडेंटेड लिगेंड है ये, जब किसी से मिलेगा, सेंट्रल मेटल एटम से मिलेगा, तो दो डोनर साइट है इसके पास, तो यहां पर एक रिंग का फॉर्मेशन करता है, चीलेशन करता है, क्या करता है, चीलेशन, चीलेट रिंग बनाता है, क्या बनाता है बेटा, चीलेट रिंग, क्लियर। तो बायोडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट लिगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ मिलते हैं तो रिंग बनती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहां जो सेंट्रल मेटल एटम है, हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है, इससे जब ये बायोडेंटेट लिगेंड, जो भी बायोडेंटेट है, एक्स वाई जेड कोई सा भी बायोडेंटेट हो, लेकिन ये सिमेट्रिकल है, ए लिखा है इसका मतलब सिमेट्रिकल, इथाइलिन डाइएमीन हो सकता है, ऑक्सलेट हो सकता है, एसिटाइल एसिटोनेट हो सकता है, सिमेट्रिकल बायोडेंटेट लिगेंड लगाया गया तो इस तरीके से रिंग बनाएगा, तो बेटा ए और ए के बीच में एक रिंग बन जाएगी। इस एम को दिखाना जरूरी नहीं है, आप दिखा भी सकते हो, मत भी दिखाओ, आपको और हमको पता ही है एम सेंट्रल एटम है, बीच में होगा। अब ऐसे ही दूसरा बायोडेंटेड लिगेंड होगा आपके पास, दो बायोडेंटेड लिगेंड दोनों सिमेट्रिक, ए ए, तो ये भी जब एम के साथ मिलेंगे तो रिंग बनाएंगे, अरे बोलो। तो बायोडेंटेड लिगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ मिलेंगे तो किलेशन का फॉर्म, चिलेट रिंग फॉर्म होगी, यहां भी चिलेट रिंग फॉर्म हो जाएगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अब इंटरचेंज करा भी दूं, अब मैं इसमें पेयर देखूंगा, पेयर किस किस में, ए ए का पेयर है और ये ए ए का पेयर है, अब इसको यहां भेज दूं, इसको यहां भेज दूं, इंटरचेंज भी करा दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या बेटा, ए ए इन दोनों को चेंज कर दो, ए ए इंटरचेंज कराने से कोई फायदा नहीं हुआ भाई, इसको यहां भेज दो, इसको यहां भेज दो, इंटरचेंज कराने से कोई फायदा नहीं, अभी भी ए ए और ए ए का ही पेयर बनेगा। तो जब डिफरेंट पेयर नहीं आया, आपके पास सेम पेयर आ रहा है, तो आंसर लिखोगे नो जी आई, क्लियर हुआ क्या बेटा, ठीक है। अगला देखो, सेकंड, एम ए ए और ए बी दे दिया, एम के साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक सिमेट्रिकल लिगेंड है और दूसरा क्या दे दिया, एसिमेट्रिकल लिगेंड। अच्छा एक बात और, सिमेट्रिकल लिगेंड हमेशा जब सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ेंगे तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में 90 डिग्री के एंगल पे जुड़ेंगे, कोई ऐसे जोड़ने की कोशिश मत कर देना। देखो सर ये तो सेंट्रल मेटल एटम रहा, एक ए यहां लगा दिया, एक ए यहां लगा दिया, 180 पे जोड़ दिया, 180 पर बायोडेंटेड लिगेंड
जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ते हैं तो 90 डिग्री के एंगल पे जुड़ेंगे, 180 के एंगल पर मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा और कोई भी मॉलिक्यूल स्ट्रेन डेवलप नहीं करना चाहता, रिपल्शन क्रिएट नहीं करना चाहता, मॉलिक्यूल 90 डिग्री के एंगल पर ही इन बायोडेंटेड लिगेंड को जोड़ेगा, कौन से में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। तो इस तरीके का कुछ भी कॉम्बिनेशन कभी नहीं बनता। मैं को दो भाई ए ए बायोडेंटेड लिगेंड है, जब इसको मैं जोड़ूंगा तो एटम के साथ ऐसे जोड़ूंगा, इस तरीके से जोड़ सकता हूं, लेकिन इस तरीके से करना गलत है, ये सही है, ठीक है। 180 पे रिपल्शन ज्यादा होता है, स्ट्रेन डेवलप हो जाता है मॉलिक्यूल के अंदर, तनाव पैदा हो जाता है। एम आप देखो जरा, एम ए ए तो बेटा एक तो सिमेट्रिकल बायोडेंटेड लिगेंड है और एक क्या है, असिमेट्रिकल बायोडेंटेड। चाहे सिमेट्रिकल हो वो भी किलेट रिंग बनाएगा, बायोडेंटेड है तो, असिमेट्रिकल है ये भी किलेट रिंग बनाएगा, दोनों चिलेट रिंग बनाएंगे, दोनों ही चिलेट रिंग बनाएंगे, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे असिमेट्रिकल, बायोडेंटेड है इसलिए चिलेट रिंग बनाएंगे, राइट। तो यहां पेयर क्या बना हुआ है, ए ए का पेयर है और ए बी का पेयर है, राइट। अब मैं इंटरचेंज भी करा दूं, इंटरचेंज करा दूं, इसको यहां भेज दूं, इसको यहां भेज दूं, आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ए ए ए को यहां भेज दो, बी को यहां भेज दो, इंटरचेंज करा दिया। तो इंटरचेंज कराने के बाद भी पेयर क्या आएगा, ए ए और ए बी का पेयर आएगा, राइट। पहले भी वही पेयर था, अभी भी वही पेयर आ रहा है, इंटरचेंज करने पे कोई फायदा नहीं, ए ए ए बी, ए ए बी नहीं, ये इंटरचेंज, बी ये ए, बी इंटरचेंज करूंगा तो बी यहां चला जाएगा, ए यहां आ जाएगा, ये बनेगा ए ए और ए बी, कोई फायदा नहीं हुआ भैया, ए और ए बी था, इंटरचेंज करा दिया, बी यहां भेज दिया, ए यहां भेज दिया, तो अभी पेयर तो ए ए और ए बी का ही बना, और तो भैया सेम पेयर आ रहा है, तो आंसर क्या दोगे, नो जी आई। तो आपको जी आई देखनी आ गई होगी, बायोडेंटेड मोनोडेंटेड लिगेंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी जोड़ो स्क्वायर प्लेनर में, लेकिन बायोडेंटेड लिगेंड है, स्क्वायर प्लेनर में जोड़ रहे हो तो 90 डिग्री के एंगल पे जोड़ोगे दोनों को, उसके बाद आप इनको इंटरचेंज करा के, इन दोनों को इंटरचेंज करा के देख लो, चाहे इन दोनों को इंटरचेंज करा के देख लो, इंटरचेंज कराने के बाद अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर आ जाती है, डिफरेंट पेयर बन जाता है, तो हम कहेंगे कि जी आई पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा थर्ड, एम ए बी का होल ट्वाइस, एम ए बी का होल ट्वाइस, क्या क्या पेयर बन सकते हैं देखो, अभी पहले लगा देते हैं, ये एम है, ए बी, ए बी, आप ए बी को ऐसे लिख सकते हो क्या, अरे ए बी एक एसिमेट्रिकल बायोडेंटेड लिगेंड है, 90 डिग्री के एंगल पे जुड़ेगा, ऐसे ए बी जोड़ दिया तो गलत होगा, राइट। और बायोडेंटेड लिगेंड है तो चिलेट रिंग बनाएगा, बना दी, एम सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम है, ए बी एक एसिमेट्रिकल बायोडेंटेड लिगेंड है, 90 डिग्री के एंगल पे ही जोड़ेंगे, ए और बी यहां लिखना सही नहीं। अब दूसरा ए बी, दो है ऐसे, तो दूसरा ए और बी बायोडेंटेड लिगेंड और चिलेट रिंग बनाएंगे ये भी, तो यहां पेयर किस किस के बीच में बेटा, ए बी और ए बी का पेयर है, ए बी, ए बी का पेयर है, ए बी में पेयर है और ए बी में पेयर है, इंटरचेंज कराओ, इंटरचेंज कराने के बाद एम को लिखना जरूरी नहीं है समझने के लिए, मैं वैसे लिख देता हूं ए बी, इंटरचेंज कराओ, बी ऊपर भेज दो, ए नीचे आ जाएगा, B ऊपर चला गया, A नीचे आ गया, राइट। ये AB, भाई AB बायोडेंटेड लिगेंड है, AB चिलेट रिंग बनाएगा, दूसरा AB भी बायोडेंटेड लिगेंड है, चिलेट रिंग बनाएगा, राइट। आप GI देखना चाहते हो, इनको इंटरचेंज करा दो, तो यहां पेयर बना हुआ था AB AB, यहां पेयर आ गया BB A,
ए ए और ये बी बी, तो बताओ आपकी बार डिफरेंट पेयर आ गया, ये अलग पेयर है ये अलग पेयर आया, अब की बार इनसे डिफरेंट पेयर आया है तो आप बोलोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगी और इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, इसके अंदर जी आई पॉसिबल है, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, एक सिस फॉर्मेट होगा दूसरा ट्रांस फॉर्मेट हो जाएगा, राइट। सेम ग्रुप 180 के एंगल पे आ रहे हैं, अपोजिट सेम ग्रुप अपोजिट साइड 180 एंगल ट्रांस, सेम ग्रुप सेम साइड 90 एंगल सिस, तो एक पिक्चर सिस की बनेगी एक ट्रांस की। जी आई पॉसिबल होने के बाद सिस ट्रांस ढूंढना है, उससे पहले तो सिस ट्रांस देखने की जरूरत ही नहीं अगर जी आई नहीं हो रही है तो। क्लियर है क्या बेटा? नेक्स्ट एम ए बी सी डी, फोर्थ केस, नेक्स्ट केस देखो, फोर्थ केस है हमारे पास एम ए बी सी डी, दो बाइडेंटेड लिगेंड है अपने पास और दोनों एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, तो बेटा ये एम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, ए बी ए बी चिलेट्रिंग बनाएंगे बाइडेंटेड लिगेंड, सी डी ये भी चिलेट्रिंग बनाएगा बाइडेंटेड लिगेंड, राइट। तो यहां पेयर क्या क्या बना हुआ है, ए डी, ए डी का पेयर है और बी सी का पेयर है, ए डी और बी सी का पेयर है, अपन अगर इंटरचेंज करवा दें इनको, बस एक बात का ध्यान रखना स्क्वायर प्लेनर में जब दो बाइडेंटेड लिगेंड एक बाइडेंटेड लिगेंड के जोड़ते हो तो 90 पे जोड़ेंगे, राइट। ए और बी ऐसे ही लिखे जाएंगे, ए और बी आमने सामने मत लिख देना क्योंकि ए और बी मिलकर के एक बाइडेंटेड लिगेंड है, एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, 90 पे जुड़ेगा। ऐसे सी डी एसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, 90 पे जुड़ेगा, इंटरचेंज कराओ इनको आपस में। तो एम ए बी सी को ऊपर भेज दो, डी को नीचे ले आओ, नहीं डी को ऊपर भेज दो सी को नीचे ले आओ, सी नीचे आ जाएगा डी ऊपर चला जाएगा और चिलेट्रिंग बना लेंगे। यहां पर पेयर था ए डी और बी सी, यहां पेयर हो गया ए सी और बी डी, ए सी का पेयर है और बी डी का पेयर, ये पेयर और ये पेयर बेटा डिफरेंट आ रहा है, यहां पेयर है ए डी बी सी का, यहां पेयर है ए सी बी डी का, नहीं ये ए डी बी सी, ये है ए सी बी डी, डिफरेंट पेयर आ रहा है बेटा, तो अपन बोलेंगे इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी और दो पेयर बने तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो हो जाएंगे। क्लियर? तो बेटा हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपसे डिस्कस करी किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर वाले कंपाउंड जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है और आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखनी है, तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, उस केस में कोई gi नहीं होती, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर फोर हो सेंट्रल मेटलम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाए तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, उसमें कोई gi नहीं होती। कोऑर्डिनेशन नंबर फोर हो लेकिन dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, उस केस में जीआई पॉसिबल भी हो सकती है, जीआई मे बी पॉसिबल हो भी सकती है नहीं भी हो, राइट। वहां पर हम मोनोडेंटेड लिगेंड लगा के भी देखेंगे और बाइडेंटेड लिगेंड भी लगा के देखेंगे, बाइडेंटेड में सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं एसिमेट्रिकल भी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या बताई कि जब हम बाइडेंटेड लिगेंड को स्क्वायर प्लेनर में जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के एंगल पर जोड़ेंगे, ठीक। क्लियर है क्या? बाइडेंटेड लिगेंड को जब भी जोड़ेंगे स्क्वायर प्लेनर में तो 90 डिग्री के एंगल पे जोड़ेंगे, और अगर सेम अगर आपको जीआई देखनी है तो ग्रुप को इंटरचेंज करवा लेना, इंटरचेंज कराने के बाद डिफरेंट पेयर बन जाए डायगोनल के अंदर विकर्ण के अंदर, इंटरचेंज कराने के बाद डायगोनल में विकर्ण में डिफरेंट पेयर बन जाए तो आप बोलोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। क्लियर भाई? टेट्राहेड्रल में तो देखने की जरूरत नहीं, स्क्वायर प्लेनर में देखनी पड़ती है, यहां तक की बात क्लियर। अब किसी में अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है तो फिर अपन सिस और ट्रांस भी देखेंगे। सिस और ट्रांस देखने का तरीका क्या है? सेम ग्रुप सेम साइड 90 डिग्री के एंगल पे है तो सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड 180 के एंगल पे है तो ट्रांस हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो बेटा आज हमने कोऑर्डिनेशन नंबर फोर वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस की, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन नंबर फोर वाले में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे।